Assalamu alaikum dear students. So I welcome all the students once again in UKAB 1.0 program jo humne start kiya tha jisme humne aapko promise bhi kiya tha we are going to upload all the videos related to your class your syllabus. To last lecture mein humne kaha tha हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था डेमोक्रेसी की कुछ डेफिनेशंस को आपके सामने रखा था तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम थोड़ा चले जाएंगे तो हमने देखा था वी हैव कंपेयर दैट टाइम यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना मेक्सिको की हमने बात की थी तो फिर हमने थोड़ी बहुत इंडिया की भी बात की थी तो आज हम देखते हैं कि जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी की डिमांड क्या है वो चाइना में क्या हो रहा है या मेक्सिको में क्या हो रहा था या उन सारे नेशंस में क्या होता है जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस है तो क्यों दुनिया के जो सारे नेशंस हैं सारे लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ यू नो कंट्रीज व्हाई दे प्रेफर टू हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसके पीछे राज क्या है क्या रीज़न है कि दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि हमारे हमारे जो मुल्क में गवर्नमेंट होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए तो उसका रीज़न क्या है तो उसका रीज़न यही है हम देखते हैं हम ये डेमोक्रेसी असल में किस चीज़ का नाम है तो जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास लिमिटेड चॉइस होती है राइट्स भी नहीं होते हैं या उनके पास ये चॉइस भी नहीं रहती है कि अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फिर जो कमिंग इलेक्शन में अगर उनके पास चॉइस होती तो वो किसी और को सिलेक्ट करते लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पॉसिबल तो वही चीज़ें दिमाग में रख के अगर हम देखें यहाँ पर डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को क्या करते हैं उनको इलेक्ट करते हैं लोग ही दैट मीन्स रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल और अगर हम रूलर्स की बात करें ये रूलर्स होते ये कौन होते हैं रूलर्स ये रूलर्स वही हैं जो हमारे लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं जो सारे सिटीजन्स के लिए डिसीजंस लेते हैं लेकिन ये सारे डिसीजंस लेने का हक ये रूलर्स को क्यों होता है उनको ये कौन देता है उनको ये डिसीजंस लेने का हक हम ही लोग देते हैं अब ये क्वेश्चन है सर हम किसे देते हैं हाँ जब हम इलेक्शन के टाइम हम अपना वोट कास्ट करते हैं अपने जो हमारा कैंडिडेट होता है जिसको हम चाहते हैं कि हम इसको वोट डालें और फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं जब उनकी पार्टी आती है रूलिंग पार्टी में एज अ रूलिंग पार्टी फिर वो रूल करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स तो उसके बाद हम जितने भी वो डिसीजंस लेते हैं हम कहते हैं कि इनके डिसीजंस हमारे डिसीजंस हैं क्योंकि इनको तो हमने रिप्रेजेंट किया था हमने इन्हें वोट डाला था अब ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारे जो यू नो डिसीजंस होते हैं मेजर डिसीजंस वो रूलर्स ही लेते हैं लेकिन वो रूलर्स उनको इलेक्ट हम ही लोगों ने किया होता है और उसके बाद अगर हम सेटिस्फाई नहीं है अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके काम से जो उनको एक टाइम दिया जाता है एक टाइम पीरियड दिया जाता है लाइक 5 साल उनको दिए जाते हैं सो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स एक इलेक्शन कंडक्ट होता है और उस इलेक्शन में हमारे पास एक और चॉइस होती है अगर हमने अगर हम सेटिस्फाइड हो गए पिछले 5 सालों में जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमने इलेक्ट किया था तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है एक चॉइस है कि हम किसी और पार्टी को ना लाएं इसी पार्टी को आगे ले जाएं फिर से इनको हम वोट डालेंगे ठीक है बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी गुड दे हैव वर्कड फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल इफ वी आर सेटिस्फाइड बट ये चॉइस ये भी देती है कि अगर इन रूलर्स ने अच्छे से काम नहीं किया है इफ दे हैव नॉट वर्कड फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल तो हमारे पास एक चॉइस होती है डेमोक्रेसी में कि आप इस बार किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चांस दे सकते हो अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये बात तो रहेगी कि अगर हम काम नहीं करेंगे लोगों के लिए देन द पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर अस दे विल नॉट सपोर्ट अस ये फियर जब तक उनके दिमाग में रहेगा जब तक ये फियर उनके दिमाग में रहेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे लोगों के लिए कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए देन पीपल हैव द चॉइस पीपल हैव द फ्रीडम पीपल हैव द राइट दैट दे कैन
you know, choose, they can vote some other candidates, some other political parties in the next election. इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्शन जो है ना ये चॉइस ऑफर करते हैं किसके लिए एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. तो करंट रूलर्स अभी अपनी कंट्री की बात करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट इंडिया यू नो राइट नाउ विच इज द रूलिंग पार्टी. यस एवरीबडी नोज इट्स द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी. ये सेकेंड टाइम बैक टू बैक इसने इलेक्शन जीते. तो जनरल इलेक्शन इसने फिर से जीते 2014 में जीते थे, फिर उसके बाद 2019 में जीते. अब नेक्स्ट इलेक्शन वी नो कि इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. अब नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं. अगर इन्होंने काम अच्छा किया होगा जो लोगों को पसंद आया होगा तो डेफिनेटली कि बीजेपी फिर से वोट पार्टी में आज रूलिंग पार्टी बन सकती है. अगर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो लोगों को पसंद नहीं आए होंगे ठीक है, तो इस बार वो सारी चीज़ें लोग दिमाग में रखेंगे एंड दे विल यू नो कास्ट देयर वोट एज पर देयर ओन चॉइसेस. यू नो दे हैव टू कीप सो मेनी थिंग्स इन देयर माइंड बिफोर कास्टिंग देयर वोट. तो ये चॉइस किस में मिलती है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट में मिलती है, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलती है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. सो डियर स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मल्टी पार्टी सिस्टम. अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी चाइना की, वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. लेकिन इंडिया की बात करें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीजेपी भी है, यहाँ पर आईएनसी भी है, इंटरनेशनल कांग्रेस की बात हम करते हैं, यहाँ पर डीएमके भी एक पार्टी है, हाँ द्रविड़ मुनेत्रा कझगम, इसी तरह से एक और है आम आदमी पार्टी भी अब बन गई नेशनल पार्टी, इसी तरह से समाजवादी पार्टी भी है. देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हु आर हियर इन इंडिया. दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस व्हेन देयर इज जनरल इलेक्शन. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये बात है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर हमारा पॉलिटिकल एजेंडा ठीक नहीं है जो लोगों को पसंद आ सकते हैं जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उनके दिमाग में ये डर रहेगा कि दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर अस. इसीलिए हम कहते हैं कि ये चॉइस अवेलेबल जब होगी तब जाके ये डर रहेगा. जब ये चॉइस ही नहीं होगी, अगर यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, अगर यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा, तो क्या जो रूलिंग पार्टी है उसके दिमाग में कोई डर होगा उनके रूलर्स के? नो. सो दे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दे विल वर्क फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल. इसी तरह से मल्टी पार्टी का होना डेमोक्रेसी के लिए एक एसेट साबित होता है. इसमें लोगों को एक चॉइस मिलती है कि अगर पार्टी अच्छे से रूल नहीं करती है देन इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे विल नॉट वोट फॉर देम. ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स. एक और चीज डेमोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेसी की एक डिमांड होती है बेटा कि एक गवर्नमेंट, एक रूलिंग पार्टी, चाहे यहाँ पर बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से पहले बीजेपी थी, अब बीजेपी से पहले फिर से कांग्रेस, या अगर किसी और पार्टी की आएगी लाइक आम आदमी पार्टी की आएगी या इन फ्यूचर कोई और पोलिटिकल पार्टी आएगी, क्या ये रूल इनका वैरी हो जाएगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पार्टी कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वेदर इट्स बीजेपी, वेदर इट्स आईएनसी, वेदर इट्स आम आदमी पार्टी, वेदर इट्स एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, एवरी रूलिंग पार्टी इज बाउंड टू फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव टू फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. जैसे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो, they have to see whether we are doing this work as per Indian Constitution or not. क्योंकि Indian Constitution जो बना हुआ है 1949 में, तो उसके बाद से मतलब time to time कुछ changes तो आती रहती हैं जिनको हम amendments कहते हैं, लेकिन उसके जो basic provisions हैं like we are talking about the fundamental rights, ठीक है ना, उसके बाद directive principles of state policy, इसके बाद fundamental duties, या so everything is being you know clearly explained mentioned in Indian Constitution. Jitni bhi political parties rule mein aayengi na, ruling party banegi, but all the political parties they have to follow Indian Constitution. To wahi Indian Constitution ko kehta hai ki ab jab koi ruling party ban gayi, unne election jeeta, ab kya wo karenge? 5 saal to unko diye gaye,
क्या अब इन 5 सालों में उनकी मनमानी चलेगी? तो फिर 5 साल के बाद लोग कुछ कर सकते हैं जब उनको एक नेक्स्ट इलेक्शन में मौका दिया जाएगा? ना ना ना, डेमोक्रेसी सेज नो। ऑल्दो दे हैव वन द इलेक्शन, नाउ दे आर फॉर्मिंग द रूलिंग पार्टी, बट स्टिल दे कैन नॉट डू व्हाटएवर दे वांट। वो उस सारा कुछ नहीं कर सकते जो वो खुद चाहते हैं, ना, दे हैव टू वर्क। उनको वही काम करना है जिस चीज की उनको इजाजत मिलती है, परमिशन मिलती है, किससे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जितनी भी अथॉरिटी, जितनी भी पावर, जितनी भी डिसीजन को लेने होते हैं, उस सब का जो मेन सोर्स है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब क्योंकि मुल्क को इस चीज से, मुल्क के सिटीजन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, उनके राइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगी अगर रूलिंग पार्टी चेंज होती है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स सेम रहेंगे। जो जब यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी रूल कर रही है तब भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं, आज जब बीजेपी रूल कर रही है आज भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं, कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी आएगी, सो डियर स्टूडेंट्स, तब भी सेम फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं आएगी कि वो इन राइट्स को वायलेट करेगी। हाँ, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू वायलेट दीज राइट्स, वी हैव द राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको भी हक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन क्लेम योर राइट्स इन द कोर्ट्स, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कोर्ट्स की मदद से, देयर हाई कोर्ट इज देयर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर देयर, एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है, याद रखिए, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ताकि अगर हमें लगता है कभी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी हमारे राइट्स को वायलेट करता है, वी कैन अप्रोच दीज कोर्ट्स, वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, अगर वो देखेगा कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई सिटीजन का राइट वायलेट किया है, तो वहाँ पर हमारे हक में फैसला आ सकता है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की एक खूबी है, खूबसूरती है, कि सिटीजन को ये हक है कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है। जब हम राइट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, राइट्स का मतलब ये है, राइट्स आर एक्चुअली द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट कैन से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड वन मोर थिंग, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे राइट्स तभी पॉसिबल है जब इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, वो बाउंड है कि उनको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे इन जितने भी डेफिनेशन जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में, इनकी अगर हम समरी देखेंगे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वी हैव डिस्कस 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी टिल नाउ। वो क्या है? सबसे पहले हमें ये पता चला कि रूलर्स डेमोक्रेसी में इलेक्ट कौन करता है, उनको लोग ही इलेक्ट करते हैं। सो इट्स द पीपल हु हैव द पावर, हु आर एंजॉयिंग द पावर इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इलेक्ट देयर रूलर्स। ये हमें पहले ही समझ में आ गया, ये तो इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसका मतलब, एक और चीज हमने देखा कि मेजर डिसीजन जो होते हैं, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो कौन होते हैं? हमारे रूलर्स। और वो रूलर्स कहाँ से आते हैं? उनको हम ही लोगों ने अपॉइंट किया, इलेक्ट किया होता है, ठीक है। इसका मतलब उनका डिसीजन हमारा डिसीजन है, ठीक है। और वो कोई गैर जिम्मेदाराना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेंगे तो उनको पता ही है कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। अगर आप देख सकते हो आजकल सोशल नेटवर्क्स, चाहे हम ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ये इस चीज़ की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, एक सोशल नेटवर्क्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये
एक कॉमन पर्सन भी इसको एक्सेस ना इस्तेमाल करके खुद से घर में देख घर में बैठ के सब कुछ देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी कर सकता है. इफ ही थिंक्स दैट दिस पॉलिसी मेड बाय दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट फीजेबल, इट्स नॉट वर्केबल, इट्स नॉट गुड फॉर द कॉमन पीपल. अगर कोई सिटीजन घर में बैठा हुआ है और वो इस सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आजकल सब कुछ देख सकता है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, हमारी अपनी यूटी में क्या हो रहा है, तो सब कुछ घर में बैठ के हम देख सकते हैं. फिर उसके बाद हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ठीक है ना. यू नो वी डोंट हैव टू सर्च फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, नाउ वी हैव एक्सेस ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो हमें करना क्या है, हम सब घर में ऐप भी यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो इन सारे नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके हम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. लेकिन ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी बात, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना या किसी भी पॉलिसी को चाहे क्रिटिसाइज या उसको अप्रिशिएट करना, ये सारा हक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. डियर स्टूडेंट्स, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक आप ओपनली यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजंस टेकन बाय द रूलर्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि कोई डिसीजन लेता है तो हम उसके उस पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, ओपनली हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. एक और हमने पॉइंट इसमें देखा कि इलेक्शंस ऑफर करते हैं चॉइस. किसको करते हैं चॉइस ऑफर? हाँ, सिटीजंस को, लोगों को चॉइस ऑफर करते हैं कि अगर आप सेटिस्फाई हो यू कैन कंटिन्यू विद द सेम पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव द चांस टू द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इस बार चुन सकते हो. लेकिन ये दिस अनदर ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी कहती है कि आपको मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास एक चॉइस रहनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह से हमने ये भी देखा कि ये जो करंट रूलर होता है उसके दिमाग में थ्रेट होना चाहिए, फियर होना चाहिए कि हाँ, इफ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, इफ आई विल नॉट वर्क फॉर द पीपल, तो लोगों के पास ये चॉइस है कि वो मुझे अपने इस पावर से, अथॉरिटी से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है बाय नॉन कास्टिंग हिज वोट इन माय फेवर, ठीक है ना. तो ये चॉइस, ये फिर तभी उसके दिमाग में रहेगा, उन रूलर्स के दिमाग में, जब यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, नॉट जस्ट लाइक वी हैव सीन इन मैक्सिको. वहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज तो थी लेकिन इलेक्शंस जो थी जो थे वो फेयर नहीं होते थे, उसकी वजह से बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आती थी जिससे लोग सेटिस्फाई भी नहीं थे. सो दे वर यूजिंग डिफरेंट डर्टी ट्रिक्स, सो दैट्स नॉट अलाउड इन एक्चुअली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस. ये भी हमने देखा. हमने ये भी देखा कि लोग जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हक नहीं है कि वो वोट डाल सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं. बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को राइट टू वोट नहीं दिया जाता है. यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि वन पर्सन विल बी गिवन वन वोट, एंड देयर इज वन वोट इज हैविंग वन वैल्यू. व्हाट डज इट मीन, आपको बताइए. यहाँ पर हमारे पास, हमारी कम्युनिटी में रिच भी रहते हैं, पुअर भी रहते हैं, ठीक है. सम पीपल वी आर हैविंग यू नो मिडिल क्लास एज वेल. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, यहाँ पर इलिटरेट पीपल भी है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी है, यहाँ पर बिजनेसमैन भी है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन आवर सोसाइटी, एंड वी नो देयर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? आपने तो सुना ही होगा बहुत बार डाइवर्सिटी, क्लास 7 में भी सुना होगा, क्लास 8 में भी सुना होगा. तो चले मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिलाऊं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. देखिए, हम कहते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज नोन
यू नो एज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. ठीक है, अब ये डाइवर्सिटीज का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. क्या इंडिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है? हाँ, यहाँ पर कोई कश्मीरी में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई अंग्रेजी में बात करता है, कोई पंजाबी में बात करता है. सो डिफरेंट लैंग्वेज आर देयर. तो जब इतनी सारी लैंग्वेज का होना सिर्फ एक ही मुल्क में, हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. तो यहाँ पर एक ही जबान नहीं है, बहुत सारी जबानें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. इसी तरह से हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी. ये कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कल्चरल का मतलब क्या है? देयर इज नॉट ओनली वन कल्चर इन इंडिया, देयर आर सो मेनी कल्चर्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया. वी द पीपल ऑफ कश्मीर, हमारा अपना कल्चर है. द पीपल ऑफ दिल्ली, उनका अपना कल्चर है. द पीपल ऑफ साउथ, दे हैव देयर ओन कल्चर. द पीपल ऑफ पंजाब, दे हैव देयर ओन कल्चर. तो इतने सारे कल्चर्स का एग्जिस्ट करना, इसका मतलब क्या है? इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी है. इसी तरह से यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है. दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ इंडिया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिलीजन नहीं है, यहाँ पर इस्लाम भी है ना, मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंदुइज्म भी है. ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी है, यहाँ पर सिखिज्म भी है, यहाँ पर बुद्धिज्म भी है, यहाँ पर जैनिज्म भी है. सो दैट मीन्स देर इज रिलीजियस डाइवर्सिटी एज वेल. तो इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी यहाँ पर सब क्या कहते हैं, ऑल आर यू नो दे बिलोंग टू ओनली वन कंट्री, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर इतनी सारी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि ये कंट्री जो है ना, दिस इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब यहाँ पर एक ही तरह की डाइवर्सिटी नहीं है. एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी. तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज का होना, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम ना होना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इतनी सारी डिफरेंसेस को एक साथ ले जा रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है. ऐसा क्या है, कौन सा जादू है ऐसा? हाँ, हम इसी जादू की बात कर रहे हैं. मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, किसी भी यू नो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करता हो. मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ. कोई स्टेट यहां पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते. सबको ये आजादी दी गई है, आप अपनी लैंग्वेज को, आप अपने कल्चर को, आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल राइट्स. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है. ठीक है, उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है, वहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं. जब सबको ये हक दिया जाता है कि आपका वोट, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सबका एक ही हक है, यू नो सबके वोट का वैल्यू एक ही है. लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सब लोग वोट नहीं डाल सकते. लाइक सब लोगों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो वोट डाल सकते और कौन नहीं डाल सकते. ठीक है, उसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिसको हम कहते हैं UAF. UAF का मतलब क्या है? इट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, you know, the citizens of India, they achieve the age of 18 or 18 plus. जब वो 18 के हो जाते हैं या 18 से बाद, तो वो उसके बाद ही eligible हो जाते हैं कि उनको मिल जाता है right to vote. इसका मतलब क्या है? जो 18 से नीचे नीचे हैं, उनको right to vote अभी नहीं मिलता है. ठीक है, इसके इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बच्चों को भी, अगर हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो अलाउ करेगा कि बच्चों को भी ये राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो फिर बच्चे क्या करेंगे?
उनको ये इतनी समझ तो नहीं है उनको कि वो ये समझे कि पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है, मुझे किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब तक एक बच्चा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक उसको राइट टू वोट नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर एज जो रखी गई है ना, वो रखी गई है 18 और 18 प्लस। व्हेन अ पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 18 और 18 प्लस, उसके बाद हम कहते हैं रिस्पेक्ट टू ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन और जेंडर एवरीवन इज बीइंग गिवन राइट टू वोट, बट द मेन थिंग इज द पर्सन हैज टू बी 18 और 18 प्लस। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो 18 की जब एज आ जाती है किसी की, तो उसका नाम एक लिस्ट में आता है, उस लिस्ट को हम कहते हैं वोटर्स लिस्ट। याद रखना ये वोटर्स लिस्ट का मतलब क्या है बेटा, ये एक ऐसा लिस्ट जनरेट होता है जिसमें उन सारे लोगों का नाम आता है जो 18 या 18 प्लस के होंगे एंड दे बिलोंग टू इंडिया। तो उनको एक आई कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसको हम इलेक्शन आईडी कहते हैं। तो ये इलेक्शन आईडी जिसके पास होगा, जिसका नाम इस वोटर्स लिस्ट में होगा, वही एलिजिबल है कि वो पोलिंग बूथ पे ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जा सकता है एंड ही आर शी कैन कास्ट हिज आर हर वोट। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, किसी एक को ना, ये सबको दिया जाता है, ये देखे बगैर, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू विच रिलीजन, विच कास्ट, फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है ना, ये सारी चीजें देखे बगैर, या इसका जेंडर क्या है, ये इसकी कास्ट क्या है, इसका कलर क्या है, ये किस स्टेट से आता है, ये चीजें देखे बगैर सबको ये राइट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं राइट टू वोट। इसीलिए हम चॉइस किस बेस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन इक्वल बेसिस। द नेक्स्ट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाई बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। तो जो भी ये गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट जो भी अब बनेगी, तो उनको भी ये पता चलता है कि वी हैव टू रूल फॉर द नेक्स्ट 5 years, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप डिफरेंट थिंग्स इन आवर माइंड। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि हम सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, और हमें क्या करना है, हमारे पास पावर तो है लेकिन उन पावर्स का इस्तेमाल हमें सिर्फ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करना है, हम उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, वी कैन नॉट मिसयूज द पावर, वी कैन नॉट मिसयूज द अथॉरिटी, बिकॉज वी हैव टू फेस द पीपल, वी हैव टू फेस द प्रेस, वी हैव टू फेस द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट में जिसको हम बेटा कहते हैं क्या, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गो विथ अनदर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दिस डेमोक्रेसी। तो अब हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं और इसके अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। वी विल डिस्कस बोथ the arguments which are in favor of democracy and the arguments which are against democracy. फिर उसके बाद हम ये understand कर सकते हैं कि क्या वाकई में हमें democracy को accept करना होगा, follow करना होगा या नहीं करना होगा। ठीक है, आया समझ में? But at the same time you need to understand कि democracy एक ऐसी government नहीं है which is providing a magical solution to all the problems जो भी हम फेस करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट फिर भी हम डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमें लगता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके मुकाबले में, उनके कंपेरिजन में बहुत सारे अच्छे फीचर्स एक सिटीजन को मिलते हैं जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। टिल द टाइम Take care and Allah Hafiz.